दूर एक पहाड़ी पर आपको जो किला दिखाई दे रहा है वह अजब सिंह के द्वारा निर्मित था और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को अजबगढ़ कहा जाता है। दूर आपको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही होगी, वह झोपड़ी आज पानी में डूब चुकी है। जो फसल है वो पूर्ण रूप से इस जो बांध है उसके पानी में डूब चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं अजबगढ़ के बांध पर। दोस्तों अजबगढ़ का बांध इन सरिस्का की वादियों के मध्य स्थित है और यहाँ अब आया है पानी। तो बहुत पहले से ये बांध सूखा पड़ा था, परंतु इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी और यह जो विशाल बांध था उसमें इस बार जल भराव इतना हुआ है कि वो देखने योग्य है। आपको मैं लेकर के चलता हूँ उस बांध पर। यह बांध अजबगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। अजबगढ़ में स्थित यह बांध यहाँ जल की आपूर्ति भी करता है। इसी बांध के पिछले छोर पर स्थित है अमन बाग होटल, जो यहीं पर आप देख सकते हैं जिसका बोर्ड लगा हुआ है। अजबगढ़ के बांध को जयसागर बांध भी कहा जाता है और बारिश के इस मौसम में वहां जाना सख्त मना है, परंतु आप इस वीडियो के माध्यम से उस विशाल जयसागर बांध यानी कि अजबगढ़ के बांध को देख सकते हैं, निहार सकते हैं और उसकी विशाल जल मात्रा को भी देख सकते हैं। चलते हैं बांध पर और वहां जाकर के डिटेल से बताते हैं इस बांध की संपूर्ण जानकारी। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों चलते हैं बांध की ओर। दोस्तों अजबगढ़ के ये जो बांध है यहाँ पहुंच चुके हैं, जयसागर नाम से जाना जाता है। निहार सकते हैं आप इस बांध को, कितना विशाल जल राशि अब इसमें संग्रहित हो चुकी है बारिश के सुहाने मौसम में। और इंद्र भगवान की मेहरबानी इस बार इस तरीके से रही है कि जो कभी सूना माना जाता था, अजबगढ़ का बांध कभी भरता ही नहीं था, आज ये बांध जल राशि की अपार मात्रा में जल राशि लिए हुए है। देख सकते हैं आप यहाँ की जल राशि को। और भी सुंदर व्यू हम आपको दिखाने वाले हैं इस जो बांध है इसकी पाल पर चढ़ करके, इसकी जो मोरी है वहां पहुंच करके आपको ये विशाल बांध और यहाँ का दृश्य दिखाने वाले हैं। हरियाली से परिपूर्ण ये क्षेत्र भी आपको वहाँ बड़ा सुंदर और मनोहरमय दिखने वाला है। वीडियो पर बने रहिए, चलते हैं आगे और आपको वहाँ से दृश्य दिखाते हैं। बांध की इस मध्य की इस दीवार को पार करते हुए अब मैं ऊपर पहुंच रहा हूं और यहां का जो व्यू है, यहां का जो नजारा है वो आपको दिखाने वाला हूं। देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये कितना विशाल बांध है और जिसको लोग अजबगढ़ के बांध के नाम से जानते हैं, परंतु इसका नाम जयसागर बांध है। निहार सकते हैं अरावली की और सरिस्का की इन पहाड़ियों के मध्य में किस प्रकार से यह जो बांध है वो स्थापित है, यहाँ विराजित है। और आप देख सकते हैं इन वादियों को, कितनी हरी भरी ये वादियां हैं। यहाँ पर जो वृक्ष हैं जो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं। और ये जो बांध है जो आप देख पा रहे हैं, जो आज अनेकों वर्षों बाद पूर्ण रूप से भर चुका है। दोस्तों ये बांध कभी अजबगढ़ की शान हुआ करता था, क्योंकि यहाँ चलती थी कभी नावें, यहाँ नाव चलती थी। और ये जो क्षेत्र है, अजबगढ़ के शासक अजब सिंह ने यहाँ एक किले का निर्माण किया था। दूर एक पहाड़ी पर आपको जो किला दिखाई दे रहा है वह अजब सिंह के द्वारा निर्मित था और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र को अजबगढ़ कहा जाता है। उस समय में यह जो बांध था उसमें छोटी छोटी अनेक छतरियां यहाँ के शासक ने बनाई थी कि वो उस स्थान पर जाए और वहाँ आराम से रियासी तरीके से रह सके। दोस्तों उस समय ये इतना विशाल बांध था और यहाँ पर नाव चलती थी। कालांतर में बारिश के कम होने की वजह से और ये बांध सूखने लग गया और बहुत समय बाद लोग यहाँ पर अपने खेत आदि बनाने लग गए। दूर आपको एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही होगी, वह झोपड़ी आज पानी में डूब चुकी है, क्योंकि आज यह जो अजबगढ़ का बांध है अपने उस पहले के पूर्ण रूप में आज भर चुका है। जहाँ देखो, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी दोस्तों, आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यह बांध अभी हालांकि पूर्ण रूप से नहीं भरा, पर पर्याप्त मात्रा में भर चुका है। आप देख सकते हैं वहां पर जो छतरी है वो पानी में पूरी रूप से डूब चुकी है, केवल ऊपर का गुंबद दिखाई दे रहा है जो कि मध्य में, इस बांध के मध्य में स्थित है। यहाँ पर खजूर के वृक्ष भी हैं और हरियाली से परिपूर्ण ये क्षेत्र है। और दोस्तों अजबगढ़ भानगढ़ के बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पर अनेक ऐसे स्थान भी हैं जो देखने योग्य हैं। यह जो पानी है, शायद यहाँ जो पानी की किल्लत हो चुकी थी, यहाँ जो सूखा पड़ चुका था, लोगों के कुओं में पानी सूख चुका था, नलकूप में पानी नहीं था, इस बार
मौसम मेहरबान है और बारिश ने जल की संभावनाएं पूरी कर दी है। और देखिए किस प्रकार से जल का ये भराव क्षेत्र और विशाल मात्रा में ये जल अब यहाँ भरा हुआ है। आप निहारिए इस क्षेत्र को और अजबगढ़ की शान, ये अजबगढ़ का बांध यानी जयसागर बांध को आप देखिए। यहाँ से बांध को आप निहार चुके हैं, देख चुके हैं कितना विशाल ये बांध है और इस बांध को कितनी सुंदरता प्रदान की है यहाँ की प्रकृति ने। तो अब आपको इसी प्रकृति के इस बांध के हर उस दिशा से, हर उस क्षेत्र से आपको ये बांध हम दिखाने वाले हैं और हम पहुँचने वाले हैं इस बांध के चारों तरफ और हर तरीके से आपको इस बांध के दृश्य को दिखाने वाले। आप बने रहिए वीडियो पे, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पे बने रहिए। हम आपको हर एंगल से ये विशाल बांध दिखाने वाले हैं और वो चिन्ह भी दिखाने वाले हैं जो कभी यहाँ पर नाव चलने के प्रमाण होते थे। ऐसे चिन्ह भी दिखाने वाले हैं जो यहाँ राजा और यहाँ उनकी रानियों का रियायसी छत्रिया होती थी। आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य एंगल से ये बांध दिखाते हैं। दोस्तों निहारिए इस तरफ से इस विशाल बांध को, किस प्रकार से इस बांध के पानी ने यहाँ पर एक विशाल गुंबद और यहाँ बने हुए अनेक लोगों की झोपड़ियों को जलमग्न कर दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की जो खेत थे किस प्रकार से जल से भरे हुए हैं, जल खेतों में पूर्ण रूप से भर चुका है। लोगों की जो फसल है वो पूर्ण रूप से इस जो बांध है उसके पानी में डूब चुकी है। आज थानागाजी में स्थित अजबगढ़ गाँव का यह जो अजबगढ़ का जो बांध है जिसको जयसागर बांध के नाम से जाना जाता है, इसमें आया पुनः एक बार पानी, वो हमने आपको दिखाया है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अनेक ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।